केएल राहुल के बाद अब अहमदाबाद टेस्ट में बाहर होगा रोहित का ये भरोसेमंद खिलाड़ी। तय हो गई है भारत की प्लेइंग 11। इंदौर टेस्ट की गलती नहीं दोहराएगी टीम इंडिया। अहमदाबाद में लौट आएगा रोहित का सबसे बड़ा मैच विनर। ये सिर्फ एक टेस्ट मैच नहीं, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सेमीफाइनल है। इसे हर हाल में जीतना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा और आखिरी मुकाबला 9 से 13 मार्च तक अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की बॉर्डर गावस्कर सीरीज में भारत भले ही 2-1 से आगे है, पर अहमदाबाद टेस्ट मैच उसे हर हाल में जीतना होगा, वरना सीरीज जीतने के साथ साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का सपना सपना बनकर ही रह जाएगा। सीरीज के स्कोर लाइन के हिसाब से बॉर्डर गावस्कर सीरीज में टीम इंडिया की हार तो नहीं हो सकती, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के पास आखिरी टेस्ट मैच जीतकर सीरीज 2-2 से बराबर करने का मौका है। टीम इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहमदाबाद में चौथा और आखिरी टेस्ट मैच जीत लेती है तो वो अपने घर में लगातार 16वीं टेस्ट सीरीज जीतकर इतिहास रच देगी। टीम इंडिया साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लेगी। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले चौथे टेस्ट मैच में अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 उतारेंगे और इसके लिए वो अपने कुछ बड़े खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर कर देंगे। आइए इस वीडियो में बताते हैं कि कंगारुओं के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कैसी होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में केएल राहुल को प्लेइंग 11 से फिर बाहर बैठना होगा। रोहित शर्मा मौजूदा बॉर्डर गावस्कर सीरीज में अभी तक सबसे ज्यादा 207 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। चौथा और आखिरी टेस्ट मैच अहमदाबाद में है, जहां की पिच बल्लेबाजों के लिए बेहतर मानी जाती है। ऐसे में दोनों खिलाड़ियों से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। वही नंबर 3 पर टीम इंडिया के दीवार यानी कि चेतेश्वर पुजारा को उतारा जाएगा। नंबर 4 पर स्टार बल्लेबाज विराट कोहली उतरेंगे। वही नंबर 5 पर श्रेयस अय्यर और नंबर 6 पर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी के लिए आएंगे, जो गेंद के साथ साथ बल्ले से भी टीम इंडिया को मजबूती देंगे। कप्तान रोहित शर्मा चौथे टेस्ट में विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत को ड्रॉप कर सकते हैं, जो बल्लेबाजी में भी फ्लॉप साबित हो रहे हैं। केएस भरत की विकेटकीपिंग भी कुछ खास नहीं रही। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा चौथे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 में केएस भरत की जगह पर विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को मौका दे सकते हैं। ईशान किशन बल्लेबाजी में बेहद खतरनाक माने जाते हैं। वनडे में ईशान किशन के नाम एक दोहरा शतक जड़ने का भी रिकॉर्ड है। ऐसे में संभावना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में नंबर 7 पर ईशान किशन बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। वहीं अगर ऑलराउंडर की बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा प्लेइंग 11 में अक्षर पटेल और रविचंद्र अश्विन दोनों को ही शामिल करेंगे। अक्षर पटेल और अश्विन गेंद के साथ साथ बल्ले से भी टीम इंडिया को मजबूती देते हैं। अक्षर पटेल और अश्विन के साथ साथ रविंद्र जडेजा भी स्पिन गेंदबाजी करेंगे, तो ये तीनों ही घातक स्पिनर्स ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। ऐसे में चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव को एक बार फिर से प्लेइंग 11 से बाहर बैठना पड़ सकता है। वहीं बात तेज गेंदबाजी की करें तो चौथे टेस्ट मैच में मोहम्मद शमी वापसी करने वाले हैं और मोहम्मद सिराज के साथ वो बतौर तेज गेंदबाज टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं। ऐसे में प्लेइंग 11 से एक बार फिर से उमेश यादव और जयदेव उनादकट को बाहर बैठना पड़ सकता है। अगर बात अहमदाबाद के स्टेडियम की करें तो अहमदाबाद में पिछली बार कोरोना महामारी के दौरान लगातार 2 टेस्ट मैच खेले गए थे। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए 4 टेस्ट मैचों के सीरीज के उस तीसरे मैच को भारत ने 2 दिनों में ही 10 विकेट से जीत लिया था और उसके बाद उन्होंने यहीं पर अगले टेस्ट का नतीजा 3 दिनों के अंदर अपने पक्ष में कर लिया था। भारत ने पारी और 25 रनों से मैच जीत लिया था। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले चौथे टेस्ट मैच में भारत के लिए जीत जरूरी है। भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश करना है तो उसे अंतिम मुकाबला जीतना ही होगा। अगर टीम इंडिया ये मैच हार जाती है तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की राह कठिन हो जाएगी। फिर भारत को न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज के रिजल्ट पर निर्भर करना होगा। अगर उस सीरीज में श्रीलंका की टीम दोनों टेस्ट मैच जीत जाती है तो भारत के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना सपना ही रह जाएगा।